हाय दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो जैसा आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज की मेरी जो वीडियो है वो है आईपी कैमरे के रिगार्डिंग। मैं कुछ एक चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगा मुझे उनके साथ साथ एक दो क्वेश्चन का और आंसर देना चाहिए और एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आ गई है मेरी वीडियो उसके रिगार्डिंग। सो गाइज, उनका क्वेश्चन था कि वो आईपी कैमरा लगा चुके हैं लेकिन वो पीओई स्विच नहीं लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप आईपी कैमरा नहीं लगाते अभी तक, तो मैं आपको बता दूं, आईपी कैमरे दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं पीओई स्विच वाले और एक होते हैं नॉन पीओई वाले। रेट में फ़र्क की बात करूं, 100-200 रुपए का फ़र्क आता है अगर नॉन ब्रांडेड कैमरे की बात करूं। सो क्या उसमें डिफरेंस होता है? सो गाइस, दिखने में सेम ऐसे ही होते हैं। उसमें भी दो कनेक्टर होते हैं, एक लैन का, एक पावर का। लेकिन जो पीओई स्विच वाला कैमरा होता है, जो पीओई सपोर्टेड कैमरा होता है, उसमें आपको पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपली जो कनेक्टर होते हैं, लैन कनेक्टर, जैसा आपको दिखेगा इसमें 8 की 8 तार जुड़ी हुई हैं, तो सिंपली लैन कनेक्टर आपने डालना है, तो इसी से इसको पावर मिल जाती है। जो पीओई स्विच होता है उसमें पावर भी निकलती है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो नॉन पीओई कैमरा होते हैं उनमें आपको पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली एक लैन वायर डालते हैं, साथ में एक 2 कोर की वायर डालते हैं। सो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक पीओई स्विच लगाया हुआ था, लेकिन अब उनका पीओई स्विच ख़राब हो गया है और वो लोकल लैन, जो लैन स्विच होता है जिसमें पावर सप्लाई नहीं निकलती, उन्होंने वो लगाया है। सो अब वो परेशान है, क्या उनको वायर डालनी पड़ेगी 2 कोर की पावर सप्लाई देने के लिए? सो गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आपका कैमरा और आपका स्विच की डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 30-40-50 मीटर है, तो आपको एक्स्ट्रा वायर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक ज़्यादातर नॉन पीओई कैमरा ही इंस्टॉल किए हैं, तो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, इसमें पावर भी देनी है, इसमें आपको लैन भी देनी है, लेकिन वायर आपके पास एक ही डली हुई है जिसमें 8 तारें निकलती हैं। तो हमें लैन चलाने के लिए कितनी तारें चाहिए होती हैं, मैं आपको बता दूं कि हमें टोटल 4 तारें चाहिए होती हैं अपना इंटरनेट चलाने के लिए। मतलब अगर आपको लैन कनेक्ट करनी है तो सिर्फ 4 तारें चाहिए, तो इसमें हमें 4 तारें हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं। तो मैं बेसिकली कौन सा फॉर्मूला अपनाता हूँ मैं आपको बता दूँ, तो थोड़ा क्लोज आपको दिखा देता हूँ एक बारी। इसमें आपको दिख रहा होगा 8 पॉइंट है। अगर ऐसे कनेक्टर की साइड देखें तो उस साइड से नंबर 1 शुरू होता है, अगर ऐसे देखेंगे तो इस साइड से नंबर 1 शुरू होता है। तो नंबर 1 पे ऑरेंज की वाइट लगी होती है, नंबर 2 पे ऑरेंज लगी होती है, नंबर 3 पे ग्रीन की वाइट होती है, नंबर 4 पे ब्लू होती है, नंबर 5 पे ब्लू की वाइट होती है, नंबर 6 पे ग्रीन होती है, नंबर 7 पे कॉफ़ी की वाइट और नंबर 8 पे कॉफ़ी होती है। सो गाइज, इसमें जो 4 तारें काम की होती हैं वो होता है पहला नंबर ऑरेंज की वाइट, दूसरा नंबर ऑरेंज, तीसरा नंबर ग्रीन की वाइट, चौथा नंबर काम का नहीं होता, पांचवा नंबर काम का, छठा नंबर काम का होता है ग्रीन, मतलब ऑरेंज ऑरेंज की वाइट, ग्रीन ग्रीन की वाइट। ये 4 तारें काम की है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और छठा पॉइंट, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां काम का नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर इस वायर में से ब्राउन और ब्राउन की वाइट, मतलब सातवां और आठवां पॉइंट जो है उसको निकाल देता हूँ, उसको काट देता हूँ और उसी में अपनी पावर सप्लाई जोड़ देता हूँ। मतलब इस कनेक्टर में 6 तार लगाता हूँ, 2 तारें पावर सप्लाई में देता हूँ। कई बारी रेंज दूर की होती है, पावर सप्लाई वीक होती है, तो उस केस में मैं ब्लू और ब्लू की वाइट को भी यूज़ कर लेता हूँ। सो गाइस, आप इजीली इस तरीके से अपने कैमरे को विदाउट एक्स्ट्रा वायर डाले चालू कर सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी पावर सप्लाई वीक हो रही है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आप पावर सप्लाई को कैमरे के पास में लगाइए, ताकि पावर सप्लाई वीक ना हो। उसके लिए आपको 2 कोर की 220 के लिए 1 mm की तार डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी दूरी 50-40-30 मीटर है, तो आपको सिंपली इसी तार में आप अपने आईपी कैमरे विदाउट नॉन पीओई स्विच के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वायर डालने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, मेरे कई सारे कस्टमर हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या विदाउट ब्रांडेड आईपी कैमरे भी सक्सेसफुल होते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं अपना जो आईपी कैमरा यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है, इसमें स्टार लाइट भी है। स्टार लाइट किसे कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तो भी कैमरा कलर ही आता है इसमें, मतलब कि जो नॉर्मली सी पी प्लस की वीडियो बनाई थी मैंने कि रात के टाइम पर भी कलर विजन आता है, तो ये वाला कैमरा है, तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस वगैरह क्या है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कमेंट बॉक्स भी है, आप कहीं भी राइट करके मुझे पूछ सकते हैं। सो बेसिकली कोई भी आपकी हेल्प होगी तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो मुझे आप बताइए, उसके रिगार्डिंग भी आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, सीपी प्लस, इक्विजन, दहुआ, इन सब के रिगार्डिंग, और अब आईपी सीरीज़ की भी स्टार्ट करने वाला हूँ।
काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ आईपी कैमरे के रिगार्डिंग, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से डिले हो जाता है। तो कोशिश करूँगा जल्दी स्टार्ट करूँ इस सीरीज़ को। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपकी नॉलेज गेन हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।